नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, जब तक गाड़ी को कायदे से कंट्रोल करना ना सीख जाओ, तब तक उसे सड़क पर लोगों के बीच मत चलाओ, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका नुकसान होगा बल्कि सामने वाले जिनकी कोई गलती नहीं होगी उनको भी आपके लापरवाही के चक्कर में नुकसान उठाना पड़ जाएगा। होता क्या है, लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, 4 दिन होता नहीं है गाड़ी सीखे और उन्हें लगता है हमसे बड़ा ड्राइवर कोई है ही नहीं। इसी के साथ साथ कुछ लोग गाड़ी चलाते समय पैनिक भी हो जाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए, और दोनों ही सिचुएशंस में गाड़ियां आराम से अनकंट्रोल हो सकती हैं। आज जो एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं वो भी कुछ ऐसा ही है, जिसे छोटू राम ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली पंजाब के चंडीगढ़ में टोयोटा फॉर्च्यूनर, किया कारेंस और होंडा सिटी के बीच हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। पहले आप वो देखिए। यहाँ पर होता क्या है, चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में एक घर के बाहर होंडा सिटी, किया कारेंस और स्कूटी पार्क रहती है। तभी रात के करीब 12:30 बजे के आसपास पीछे से एक फॉर्च्यूनर आती है और अनकंट्रोल होकर सीधा सिटी के बैक साइड को हिट कर देती है और घसीटते हुए ले जाकर कारेंस और स्कूटी में घुसा देती है। यहाँ पर गाड़ी अनकंट्रोल कैसे हुई वो नहीं पता। सीसीटीवी के हिसाब से बहुत तेज रफ्तार भी नहीं होती है इसकी। ऐसा लग रहा ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी को एक्सेलरेट किया है, जिससे वो अनकंट्रोल हो गई है। खैर, फॉर्च्यूनर लड़की ड्राइव कर रही थी और उसके बगल में यानी को ड्राइवर सीट पर एक लड़का बैठा था। अब जैसे ही ये सब हुआ, दोनों ने गाड़ी से नीचे उतरकर अपनी सीट्स एक्सचेंज कर ली और लड़का जल्दी से एसयूवी को लेकर निकल गया। बात करें डैमेजेस की, तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने की वजह से सिटी का बैक साइड काफी बुरी तरह से अंदर घुस गया है। इसका टेल लाइट, टेल गेट, बम्पर सब में ही नुकसान आया है। इसके अलावा आगे लड़ने की वजह से बोनट, बम्पर, हेडलाइट वगैरह कुछ हद तक डैमेज हुआ है। वहीं कारेंस, जो अभी एक दिन पहले ही खरीदी गई थी, उसका लेफ्ट साइड थोड़ा बहुत रगड़ गया है और सामने खड़ी स्कूटी भी डैमेज हुई है। बाकी फॉर्च्यूनर के फ्रंट में कोई ज्यादा नुकसान नहीं आया है। तो भाई, यहाँ एग्जैक्टली इन सब का रीजन क्या था वो नहीं पता। हो सकता है ये गाड़ी सीख रही हो, या हो सकता है फोन वगैरह यूज कर रही हो जिससे ध्यान हट गया हो, या हो सकता है ड्रंक हो, क्योंकि रात का समय था, इसकी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। खैर, जो भी हो, इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो चलिए एसयूवी पार्क्ड व्हीकल्स में लड़ी है, अभी यही गाड़ी किसी पेडेस्ट्रियन को हिट कर देती तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। तो इन्हीं सब को देखते हुए लोगों को खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा। बाकी आपको इस एक्सीडेंट के बारे में क्या लगता है कमेंट में बताइए।